चिकित्सक बोले वैक्सीन से ही लगेगी कोरोना पर ब्रेक। वैक्सीन ही कोरोना महामारी पर ब्रेक लगा सकती है, इसलिए सबको वैक्सीन लेनी चाहिए। शनिवार को SKMCH के वैक्सीनेशन सेंटर पर बारिश की वजह से कम लोग पहुंचे। इस संबंध में वरिष्ठ पत्रकार अरुण कुमार शाही ने डॉक्टर राजीव कुमार से बात की तो उन्होंने कहा कि खराब मौसम की वजह से ही कम लोग पहुंचे हैं। इस सेंटर पर प्रतिदिन कम से कम 1100 मरीजों को वैक्सीन देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। SKMCH में मैं अभी कोवैक्सीन टीकाकरण केंद्र में पहुंचा, जहां मरीजों की भीड़ काफी आज कम देखने को मिल रही है। इस संबंध में यहां तैनात चिकित्सक डॉक्टर साहब, आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर राजीव है, मैं कम्युनिटी मेडिसिन में हूं और यहां पे जो है COVID-19 वैक्सीनेशन 16 जनवरी से स्टार्ट है और धीरे धीरे ये हम लोग टारगेट की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा डेली टारगेट जो है आज एक सप्ताह तक अभी फिलहाल 1150 का है, जिसमें 300 कोवैक्सीन है, 850 कोविशील्ड है। तो उस टारगेट को जितने भी लोग आ जाते हैं हम लोग उनको देने की पूरी कोशिश करते हैं। अच्छा, तो आज अभी मैं भीड़ कुछ कम देख रहा हूँ अन्य दिन की अपेक्षा, इसका क्या कारण है? ये आज सुबह से बारिश हो रही है, इस कारण अभी लोग कम आ रहे हैं, लेकिन दोपहर होते होते ये टारगेट तक लगभग पहुंच जाएंगे। अच्छा, जो वैक्सीन पड़ रहा है, जो फर्स्ट डोज है उनको क्या दिया जा रहा है? और फर्स्ट डोज में मेनली कोविशील्ड पड़ रहा है और कुछ लोगों को ही कोवैक्सीन पड़ रहा है, लेकिन अच्छा जो फर्स्ट डोज में कोवैक्सीन ले चुके हैं उनको क्या सेकेंड डोज में वो कोवैक्सीन ही पड़ेगा? यही है कि दोनों में अंतराल का अंतर है। कोवैक्सीन जो है ना 28 दिन से 42 दिन के अंतराल पे लेना है और कोविशील्ड जो है 84 दिन से लेकर के उसके ऊपर तक लेना है। दोनों का मानता बराबर है सर या कुछ 19-20 है? अभी ICMR का एक गाइडलाइन आया है, उसमें देखा गया है कि दोनों में बहुत ही मामूली फर्क है, यानी नहीं के बराबर, इसलिए दोनों वैक्सीन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए कोई भी वैक्सीन ले, दोनों उतना ही इफेक्टिव है। अच्छा, वैक्सीन जो नहीं ले रहे हैं उनके लिए कुछ नुकसान भी हो सकता है क्या? बिल्कुल, वैक्सीन अगर जो नहीं ले रहे हैं तो उनको अगर इन्फेक्शन लग गया तो उनकी बीमारी जो है ना अधिक सीवियर हो सकती है। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूंगा, जो भी वैक्सीन लेना अभी भूल गए हैं या छूट गए हैं, वो जरूर से जरूर जितना जल्दी हो सके अपने नियर बाई जो भी केंद्र हो वहां पे जल्दी से वैक्सीनेशन अपना करा लें। इसके लिए कोई जागरूकता अभियान भी चल रहा है सरकार? बिल्कुल, सरकार की तरफ से हर जगह प्रचार प्रसार किया जा रहा है, एक सोशल मोबिलाइजर उसमें काम कर रहे हैं, वो जाकर बताते हैं कि जैसे, और आजकल सरकार जो है हर एक गांव में एक कैंप लगा करके भी वैक्सीनेशन करने का काम कर रही है। चलिए सर, धन्यवाद। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।